The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So calcium bahut zaruri element hai aapki body mein aur calcium sabse zyada matra mein present hai. सब अगर कोई मिनरल आपकी बॉडी में है सबसे ज़्यादा तो वो है कैल्शियम. ठीक है, और कैल्शियम के सबसे ज़रूरी काम भी है आपकी बॉडी के अंदर. वो बॉडी सारी बॉडी बॉडी में इतना सारा कैल्शियम स्टोर्ड है और 99% कैल्शियम आपका बोन्स में स्टोर्ड है. बोन्स में, हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस भरा हुआ है. इट्स अ मिनरलाइज्ड बोन होती है ना, मिनरल, उसमें जो मेन मिनरल है वो कैल्शियम है, राइट. और उसी के वजह से आपकी बोन स्ट्रांग होती है और स्ट्रांग रहती है. तो कैल्शियम उसको चाहिए रेगुलरली बनते रहने के लिए. और ब्लड में भी कैल्शियम होता है थोड़ा बहुत, 1%. वो आपकी मसल्स को चाहिए और सेल्स के अंदर काम करने के लिए, सेल्स के गेटवेज खुलने के लिए, रास्ते खुलने के लिए, हर एक काम होने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स के लिए, सबके लिए कैल्शियम चाहिए. कैल्शियम ब्लड वेसल्स को चाहिए, ब्लड वेसल्स को खुलने के लिए, एक्सपांड होके कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कैल्शियम चाहिए. मसल को रिलैक्स होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम चाहिए. हॉर्मोन्स को सिक्रीट होने के लिए कैल्शियम चाहिए. नसों को तरंगे भेजने के लिए कैल्शियम चाहिए. सो कैल्शियम इज़ अति आवश्यक. कैल्शियम इज़ बहुत बहुत ज़रूरी आपकी बॉडी में. ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़रूरी. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कैल्शियम कहाँ से आना है. कैल्शियम आपको बहुत खूब भरपूर चाहिए और जो खाने पीने के मोटा मोटा मिलता है, फिर हम बाद में और डिटेल बताएंगे. मोटा मोटा कैल्शियम आपको मिलता है, जो कैल्शियम रिच फूड है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, आपके दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, ग्रीन वेजिटेबल्स और फिश, या कभी कभी जो कार्टिलेज आप खाते हो, कार्टिलेज फिश, और जो सॉफ्ट बोन्स खाते हैं वो, यहाँ कार्टिलेज जो हड्डियों के ऊपर नहीं होता, कार्टिलेज टाइप, वो उसमें अच्छा कैल्शियम होता है. और कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स कैल्शियम एनरिच्ड होते हैं, फ्रूट्स हो गया, ड्रिंक्स हो गई, जिनमें कैल्शियम एनरिच्ड होता है. और कैल्शियम ना हो, कैल्शियम की कमी हो जाएगी आपको, अगर जैसे बच्चों में कमी हो जाएगी तो उनकी ग्रोथ सही नहीं होगी, वो उनके हड्डियाँ सही से ग्रो नहीं होंगे, और बड़ों में हो जाएगी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, और इसलिए आपको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए. तो ये हुआ ओवरव्यू. अब बातचीत करते हैं कि कैल्शियम डाइट में कहाँ कहाँ से आना है, कहाँ कहाँ से आएगा, और इम्पॉर्टेंट कितना कहाँ क्यों चाहिए, कि एग्जैक्टली किस किस फंक्शन के लिए. हमें आपको बता चुके हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड टिश्यू, नर्व सेल्स, बॉडी फ्लूइड, हर चीज़ के लिए कैल्शियम चाहिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल, नहीं होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है. और खाओगे तो हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होगी. तो और क्या क्या, तो हड्डियों के लिए, टीथ के लिए, ब्लड के क्लॉटिंग के लिए, मैसेज रिसीविंग मसल्स, हॉर्मोन्स, नॉर्मल हार्ट बीट के लिए भी कैल्शियम चाहिए. हार्ट बीट नॉर्मल रखने के लिए भी कैल्शियम चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने आपको अब बताते हैं कि किस किस में कैल्शियम कितना कितना. देखिए, होल मिल्क जो लेंगे तो उसमें 4% फैट वाला मिल्क हो गया, ये होल मिल्क. उसमें बच्चों को देना ज़रूरी है, 1 से 2 साल के बच्चों को होल मिल्क, 1 से 2 साल के. और एडल्ट जो होते हैं या जो 2 साल के ऊपर हैं, उनको लो फैट वाला मिल्क, यानी 2% या 1% वाला मिल्क ले सकते हैं. 1 से 2% वाला मिल्क ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो वो मोटे हो जाएंगे और कुछ नहीं, राइट. और यानी कि उसको स्किम मिल्क बोलेंगे, टोन्ड मिल्क बोलेंगे, डबल टोन्ड बोलेंगे, ठीक है. और डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम है. कैल्शियम से जो डेयरी प्रोडक्ट से जब हम फैट निकाल लेते हैं, फैट हटा देते हैं, तो उससे कैल्शियम नहीं हट जाता, बिकॉज कैल्शियम आपका होता है उसमें, ये इम्पॉर्टेंट. तो दूध से बनी हुई दही, जो चीज़ बनता है, बटर मिल्क, छाछ बनती है, वो भी कैल्शियम का बहुत ज़ोरदार और असरदार सोर्स है, जो कि जिसमें फैट फ्री वर्जन आप ले सकते हो. जो यानी कि टोन्ड मिल्क का दही बनाना है, फैट फ्री वर्जन का ये है. फुल क्रीम का भी दही बन सकता है, टोन्ड का भी बनता है, डबल टोन्ड का भी बनता है, ठीक है, वैसा. तो उसका टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क का बनाना है. फिर मिल्क इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर फॉस्फरस, मैग्नीशियम, जो आपकी बॉडी में हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए. और भाई कैल्शियम, फॉस्फरस, मैग्नीशियम तीनों साथ में काम करते हैं कई सारे कामों को,
तो इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट। और विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज ही वीडियो हमने डाला था। सो विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। डी नहीं होगा तो विटामिन कैल्शियम नहीं होगा। सो मिल्क इस पर्पस के लिए कई बार विटामिन डी से फोर्टिफाइड किया जा सकता है। बाकी विटामिन डी टू मिल्क में भी होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, अगर आप हमें फॉलो करते हो आप जानते हो, कह लें ठीक है। उसके अलावा हमने बताया कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे ब्रोकली और केल और मस्टर्ड ग्रीन लीफी, अपनी स्पिनिच हो गया, कैबेज हो गया, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टर्निप टूनिप जो भी है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है बढ़िया कैल्शियम। आपके फिश में है, फिश में सबसे ज़्यादा होता है अपना सालमन में, सार्डीन्स में, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स में कैल्शियम है, आलमंड, ब्राज़ील नट, सनफ्लावर, सनफ्लावर के जो सीड्स हैं उसमें बढ़िया कैल्शियम, बीन्स में बढ़िया कैल्शियम है, राइट, इन सब में है। और कई सारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें फोर्टिफाइड किया जाता है, राइट, कैल्शियम है। और कैसे आप श्योर हो सकते हो कि आप कैल्शियम आपको मिले, तो उसके लिए क्या करना है, कम से कम पकाइए ताकि कैल्शियम जो है फूड में रहे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पका के खाओगे ना, जितना ज़्यादा पका हुआ है उसके न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, विटामिंस कम हो जाते हैं। सो मिनिमम फ्लेम में, कम से कम आँच में, कम से कम पानी डाल के पकाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कोई भी चीज़, सब्जियाँ वब्जियाँ, कुछ भी, राइट। तो और कुछ तरीके की चीज़ें जैसे हैं जो कैल्शियम से बाइंड करके स्टोन बना सकती है, राइट, जैसे कि कैल्शियम कुछ फाइबर की चीज़ें हैं, जैसे कि वीट ब्रान, या फिर जो स्पिनिच हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में स्पिनिच, पालक, उसमें ऑक्सैलेट ज़्यादा है, तो ऑक्सैलेट और कैल्शियम दोनों बाइंड हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, कई बार कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी प्रिवेंट करते हैं और कैल्शियम स्टोन भी बना सकते हैं। तो उनका हमको समझ के चलना है कि एक ये कारण भी है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अकेला कैल्शियम को पूरा नहीं कर सकता, आपको दूध दही पनीर लस्सी छाछ रखना ही चाहिए, समझे, और ड्राई फ्रूट्स, बाकी चीज़ें, फिश एंड ऑल, ये भी खा सकते हैं। सो एक वेगन पर्सन को इम्पॉर्टेंट है, वेजिटेरियन तो फिर भी दूध लेते हैं, वेगन पर्सन को इम्पॉर्टेंट है कि वो कुछ ना कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट ले, राइट। तो डेयरी डाइटरी सप्लीमेंटेशन अपना, मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, ज़्यादातर चीज़ों में कैल्शियम मिल जाता है, सब में अलग अलग अमाउंट है, और किसी किसी में सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी मिल जाएगा, वो आप लेबल पढ़ के देख सकते हो। बट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की बात करें, आप जब उसको मुंह से लेते हो तो एक बार में 500 मिलीग्राम से ज़्यादा एब्जॉर्ब होता ही नहीं है। लिख के ले लो, 1000 मिलीग्राम की कैल्शियम की गोली तो खाना ही नहीं चाहिए, समझे, एक बार में कैल्शियम अब्जॉर्ब ही नहीं होता है 500 मिलीग्राम से ज़्यादा, राइट। इसलिए इसको सुबह 500, शाम को 500 लेते हैं। और ज़्यादातर जो कैल्शियम के अवेलेबल सप्लीमेंट्स हैं, कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट। साइट्रेट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और वो बॉडी से जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, और वो आप खाली पेट या पेट खाना खाने के बाद खा सकते हो। और कार्बोनेट थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वो एब्जॉर्ब तो होता है, राइट, अगर वो आप खाने के साथ लो तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, वो खाने के बाद, वैसे तो खाने के बाद ही लो, दोनों ही क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। और दोनों ओवर द काउंटर मिल जाएंगे आपको, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट, वेरी इजीली। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स दूसरे भी आ सकते हैं, ग्लूकोनेट, फॉस्फेट, लैक्टेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम लैक्टेट, बट देन मोस्ट कॉमन इज कार्बोनेट एंड सिट्रेट, और बोथ आर ओके, एवरी कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट खाने के बाद खा सकते हैं, नो बिग डील। तो कैल्शियम, ये हुई कैल्शियम की बात, कैल्शियम सप्लीमेंट कहाँ से लेना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स, अगर कैल्शियम बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा कैल्शियम खाने लग गए, हायर अमाउंट्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे, तो स्टोन्स बन सकते हैं, बिकॉज कैल्शियम के साथ ऑक्सैलेट हो सकता है मिलके स्टोन पर, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो। 90% ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी डेफिशिएंट इन कैल्शियम एंड विटामिन डी, तो ये मत सोचो कि कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, मिनिमम तो खाना ही है, और नहीं होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी एज यूजुअल,
और कुछ लोगों को जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिनको दूध नहीं पचता, उनमें प्रॉब्लम है कि लैक्टोज नहीं पचता तो दूध नहीं ले सकते, दूध नहीं ले सकते तो कैल्शियम का मेन सोर्स नहीं है, फिर उनको कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ऐसे लोग दही खा, दही ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर अल्टीमेटली वो वेगन हो गए, फिर उनको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। सो रिकमेंडेशन फट से देख लेते हैं, रिकमेंडेशन क्या है कैल्शियम का। भाई आपके उम्र के हिसाब से, आपके बाकी सब चीज़ों के हिसाब से रिकमेंडेशन बनाई जाती है, प्रेगनेंसी है नहीं है। तो छोटा बच्चा है, 6 महीने से छोटा है, तो उसको बेसिकली 200 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम चाहिए। 7 महीने से 12 महीने तक 260 मिलीग्राम चाहिए, 260, और फिर 1 साल से 3 साल की उम्र तक 700 मिलीग्राम पर डे, 4 साल से 8 साल तक 1000 मिलीग्राम, और 9 साल से 18 साल तक 1300 मिलीग्राम पर डे, और एक एडल्ट को 19 साल से ऊपर 50 साल की उम्र तक 1000 मिलीग्राम ही चाहिए उसको, और 50 के ऊपर 1200 मिलीग्राम चाहिए, 1200 मिलीग्राम यानी, और 71 साल है, 50 साल है, 71 साल है, 1200 मिलीग्राम आपको चाहिए। और एक प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग है, उनको अगर तो छोटी उम्र वाले हैं तो 1300 मिलीग्राम चाहिए, और ज़्यादा साल हैं तो 1300 मिलीग्राम मान के चलो, 1300 मिलीग्राम या 1000 टू 1300 मिलीग्राम। और अगर हम सेफ्टी की बात करें तो 2500 से 3000 मिलीग्राम तक का कैल्शियम सप्लीमेंट पर डे सेफ होता है बच्चों में और बड़ों में भी, 2500 से 2500 मान के चलो, 2500 से 3000, बच्चे थोड़े ज़्यादा ले सकते हैं, बड़े 2500 से 2500 तक सेफली ले सकते हैं, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। सो दिस इज़ वेरी गुड। एक एग्जांपल भी बता देते हैं जाते जाते कि 250 ml दूध में, 250 ml दूध में अराउंड 300 मिलीग्राम कैल्शियम होगा, और सोया मिल्क कैल्शियम फोर्टिफाइड होगा तो भी उसमें 300 मिलीग्राम, और दही की बात करें अगर 150 मिलीग्राम दही में 250-300 मिलीग्राम कैल्शियम होगा, और फिश के अंदर भी अगर बात करेंगे 100 ग्राम फिश के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 350 ग्राम कैल्शियम होगा। आलमंड्स तो आपके 25 ग्राम आलमंड्स में 100 ग्राम के आसपास कैल्शियम होगा, और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हो। देखो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, धूप में जाना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा नहीं। आपने विटामिन डी का वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कैल्शियम, एंड द कैल्शियम एंड्स हियर। कोई सवाल है ज़रूर लिखो, और पता ही है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है वीडियो, ताकि लोगों को रिकमेंड हो सके वीडियो, ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आते रहना है बार बार, रोज़ रोज़, और लाइक का बटन, हार्ट का बटन, व्हाटएवर दबाते रहना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, थैंक यू।